दोस्तों, आखिर टेम्पर्ड ग्लास में 2D, 3D, 4D, 5D, 9D ये सब क्या होता है? क्या दुकानदार हमें बेवकूफ बनाते हैं? माना कि फोन में टेम्पर्ड ग्लास डलवाने से फोन की स्क्रीन टूटने से बच जाती है और दुकानदार आपको ग्लास की कई तरह की कैटेगरी दिखाता है, लेकिन आपके फोन के लिए कौन सा ग्लास बेटर है? देखिए, पहले की फोन की स्क्रीन बिल्कुल रेक्टेंगल होती थी और उनमें जिन टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल होता था वो 2D टेम्पर्ड ग्लास होते थे, जिनके कॉर्नर काफी शार्प होते हैं। लेकिन जब उसके बाद नए स्मार्टफोन आने लगे और उनके कॉर्नर कर्व्ड होते थे और इस तरह के ग्लास को 2.5D टेम्पर्ड ग्लास कहते और अभी सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सैमसंग ने कुछ ऐसे फोन भी लॉन्च किए थे जिनकी स्क्रीन 3D होती थी और उनके ग्लास को 3D टेम्पर्ड ग्लास कहते थे। तो फिर 4D, 5D, 9D और 11D का क्या मतलब है? देखिए, इसका असल में कुछ भी मतलब नहीं होता और ये सब कंपनियों की मार्केटिंग ट्रेजेडी है। और हाँ, इसका क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता।